नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यन्दु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बता देने का कोशिश कर रहा हूँ नेक्स्ट के ट्रेडिंग डे मतलब मंडे के लिए 9 दिसंबर 2019 के लिए। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। इसको इधर मैंने चार्ट का एनालिसिस करूँगा, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करूँगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस करने का कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। और ये अब मैंने रेगुलर बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन देता हूँ और निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल भी मेरा बाइसेल लेवल कम स्किनर में से दे देता हूँ, तो वो आप लोग को हेल्पफुल होगा। तो आप लोग कैसे उसको उसको आप लोग को कैसे लग रहा है, कैसे आप लोग को कैसे ऑब्जर्व किया है वो ज़रूर फीडबैक देंगे मेरे को जरा कमेंट करके। आप लोग कमेंट करके मेरा जरूर फीडबैक दीजिएगा। तो इसी तो और भी आप लोग को अच्छा लगेगा तो मेरा वीडियो बनाने का मोटिवेशन और भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आप लोग ये वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। और इसमें बहुत सारा चार्ट का सेटअप दिया है और चार्ट का सेटअप है और भाई से कैसे जो आप लोग को इंटरडे टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हेल्प करेगा और सही एंट्री लेने के लिए आप लोग को हेल्प करेगा। और बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हैं जो अपना के आप लोग स्टॉक मार्केट से आसानी से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो कैसे नेक्स्ट डे के लिए कैसे बिहेव कर सकता है। तो देखिए ये जो इधर से जो स्विंग हाई मारा था तो इधर उसी पर जगह पे फिर से आ गया है, मतलब ये 100% इसका ख़त्म हो गया है। तो ये अभी फिर से नीचे इधर और भी थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग होता था तो बोल रहा था बोल मतलब श्योर कंफर्म होता था कि ये और भी नीचे ही आएगा। तो इधर इधर इसके थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दिया हो तो लगता है कम ये नीचे ही आएगा। तो ऊपर जाने का अभी चांसेस थोड़ा सा कम ही है, ऊपर जाके कॉन्फिडेंट करना। ये अभी का थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आएगा, इस लेवल के बाद इसको आप लोग देख सकते हैं। इस लेवल के बाद ये इधर जो सपोर्ट है नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 11912, उसके बाद इस लेवल पे जो सपोर्ट है 11850 से 800 तक, उसके बाद इधर एक स्विंग हाई था इधर 11650 तक आ जाएगा। इतना तक अभी तो आ सकता है, इतना तक ये इतना लेवल तक ये आ सकता है 11750 तक। इसके बाद इधर एक सपोर्ट है, उसके बाद इस लेवल पे मतलब 11718 इसमें तक आ सकता है, उसके बाद फिर 11443, तो इतना तक अभी आ सकता है। इधर थोड़ा सा डबल बॉटम होके डबल टॉप होके ये ऊपर जी गया था तो इधर तक आने का चांसेस है। तो अभी देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी का चार्ट कैसा बता रहा है। देखिए इधर जो जब 138.2% जब क्रॉस करेगा ये 11833, ये और भी मतलब 11775 तक तो अभी आ सकता है। तो 11 उसके ये इसका नीचे जाएगा तो और भी नीचे जा सकता है। और बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट में मैंने फिबोनाची लेवल लगा था वो भी एक ही ऑलमोस्ट एक ही पैटर्न बना के चल रहा है। वो भी देखिए इधर से जो स्विंग हाई मारा था ऑलमोस्ट ये आ गया है, तो अभी कुछ ये इधर क्लोजिंग दिया है और ये भी थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दिया है। ये इसका नीचे आएगा तो इसका नीचे आता था तो ये नीचे आएगा, तो इधर 319 में इसका क्लोजिंग हुआ है। तो इधर ये अभी तक 31,000 तक आ सकता है, उसके बाद ये 31,550 तक आ सकता है, उसके बाद ये 31,308 में तक आ सकता है। आप लोग मेरा बाय सेल लेवल फॉलो कीजिएगा, मैंने रोज रात में बाय सेल लेवल जो इक्विटी का स्टॉक दिखाता हूँ उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी और कमोडिटी भी दिखा देता हूँ, तो आप लोग फॉलो कीजिए और मेरे को बताइए, जरा जरा कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है
तो उधर आप लोग बता सकता है कि ये लेवल आप लोग को कैसा लगता है, मतलब ये कैसा काम करता है, और ज़रा फीडबैक दीजिएगा। और निफ्टी का ऑप्शन चेन मैंने देखता हूँ, ये 0.6 जो पीसीआर रेशियो है इसका 0.67 0.66067 है, तो इसका मतलब है ये 0.75 से नीचे आ रहा है, ये 50 तक तो नीचे आ सकता है, और इधर उसके बाद फिर ये कॉन्ट्रैक्टेड लेके ऊपर जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये 50 तक नीचे आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है 0.50 तक। और इधर 12,000 में देखिए इसका सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, और इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और इधर ओपन इंटरेस्ट है, सॉरी आई बी भी अगला दिन का हिसाब से ये आई बी भी नीचे आ गया है, तो प्राइस भी डिक्रीज हुआ है, आई बी नीचे आ गया है, और ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो इधर इंडिकेट कर रहा है तो कि ये नीचे आने का प्रोबेबिलिटी है। और पुट साइड में देखिए इधर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 11,800 में है, और इधर इधर से जो इधर जो रेजिस्टेंस में जितना ओपन इंटरेस्ट है सपोर्ट में, इधर रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट कम है, मतलब इधर मतलब जो शॉर्टिंग हो रहा है, मतलब शॉर्टिंग होने कॉल साइड में जो शॉर्टिंग होने का जो ओपन इंटरेस्ट है ये ज़्यादा है, मतलब कॉल साइड में शॉर्टिंग होगा तो मतलब, और इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है तो नीचे जाने का हाई प्रोबेबिलिटी है, तो और इधर इधर देखिए टोटल इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है कॉल साइड का, पूरा ऑप्शन चेन में इन द मनी आउट ऑफ द मनी, और इधर पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, और कॉल साइड में पूरा ऑप्शन चेन में ये शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। तो और बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशियो 0.757 तक है, या और इधर देखिए 32,000 में इसका कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और इधर 31,000 में इधर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, तो इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बैंक निफ्टी भी नीचे आएगा, और इधर जितना ओपन इंटरेस्ट है इधर से ये ओपन इंटरेस्ट कम है, और आई बी भी गिर गया है, तो इधर चेंज प्राइस भी गिर गया है, आर बी भी गिर गया है, और ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है, मतलब शॉर्टिंग करने का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है, मतलब ये नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो ये आप लोग को इसके बाद मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया हूँ वो आप लोग देख सकते हैं, ये जो 11,800 में मैंने कॉल इम्पैक्ट वोलेटिलिटी पुट इम्पैक्ट वोलेटिलिटी करेंट स्टॉक प्राइस और डे स्टॉक एक्सपायरेशन ये कॉम्बिनेशन करके मैंने फॉर्मूला देखे बनाया हूँ। तो इधर देखिए 11,800 में इसका सपोर्ट है, 12,000 में इसका रेजिस्टेंस है, तो इधर अभी भी लॉन्ग टर्म मतलब 6 डेज का हिसाब से ये एक्सपायरी का हिसाब से ये आप में दिखा रहा है, लेकिन अगला चार्ट और ऑप्शन चेन में एनालिसिस करके ऐसा लगता नहीं है, सभी समय सभी कंडीशन मैच नहीं करता है, तो देखना पड़ेगा कॉन्फर्मेशन के लिए सही एंट्री मतलब सही लेवल होना पड़ेगा, कि इस लेवल का मैं जाने के बाद ये बैंक निफ्टी भी आप लोग नोट कर सकता है कि ये ऊपर जाएगा, तो वो सब वही एंट्री लेने के वही लेवल आने के बाद ही पता चलेगा कि इतना 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 लेवल में आने के बाद ये इतना तक गिर सकता है, क्या इतना ऊपर तक जा सकता है, तो इसलिए मैंने 22 लेवल कम स्किनर में आप लोगों को दिखा देता हूँ, कि मैं हर रोज़ मैंने मेरा जो 22 लेवल है उसमें निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल भी दिखा देता हूँ, और मैंने मेरा जो आज का परफॉर्मेंस है ये जो मतलब मैं 22 स्किनर का जो परफॉर्मेंस है वो भी मैंने दिखाता हूँ। देखिए इधर बाई का एंट्री लेवल था 926, बैंक निफ्टी का बाई का एंट्री लेवल था 926, और सेल का एंट्री लेवल था 31,808। तो चार्ट में एक बार देख लेते हैं, चार्ट में बैंक निफ्टी का देखते हैं मार्केट वॉच से, यहाँ देखिए 31,926 इसका बाई का एंट्री लेवल था, बाई का एंट्री लेवल था, तो इसके ऊपर ये गया ही नहीं है, तो मतलब बाई में ये बाई साइड में गया नहीं था, इसका सेल का एंट्री लेवल था 31,808, तो इस इधर 31,808 के बाद ये 31,323 तक
आया है, तो इधर एक बार